सभी को मेरा प्रणाम। पहाड़ी गुरु व्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो होलियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, आज मैं गर्मी में हूँ। मैंने सोचा हल्की सी क्लिप आज भी मना लेता हूँ करके, तो अभी गर्मी में हूँ। मैं भी आपको फूलों के दर्शन कराऊँ। जो मेरे पीछे दिख रहे हैं फूल, इतने फूल खिले हैं हमारे घर में अभी। देखिए इतने फूल खिले हैं, फूल ही फूल खिले हैं अभी हमारे घर में। तो मैं इनकी आपको थोड़ी सी झलकियाँ इनकी भी दिखाऊंगा। लोग यहाँ से पलायन तो कर चुके हैं हमारे गांव से, पाली पाली से। तो जो फूल बाहर खरीद के लोग लेते हैं कहीं मार्केट से, 50 रुपये, 50 रुपये के, 100 रुपये के, तो वहाँ हमने लगा रखे हैं ऐसे फूल। देखिए थोड़ी सी झलकियाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसे लगे ये हमारे फूल। करके थोड़े से मैं अपने गांव की भी झलकी दिखाऊंगा थोड़ी आपको। तो बने रहे मेरे इस चैनल के तो साथ। देखिए दोस्तों, इतने सारे फूल खिले हमारे घर के यहाँ पर। तो देखिए हमारा ये पाली गांव, हरियाली छाई हुई है। जो बीच में नाला दिख रहा है आपको, तो उसके इस साइड को तो हरियाली नहीं है क्योंकि लोगों का पलायन भी हो चुका है हमारे गांव से। ये देखिए ये जो गांव दिख रहा है हमारे गांव में, जो रोड दिख रही है ऊपर, रोड से ऊपर अग्रून, ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो है तुम्हारा जिबल, जिबल का गाँव भी दिख रहा है। देखिए पूरा पाली गांव के नज़ारे दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको। पूरी जो जो लोग यहाँ रहते हैं फिर भी वो करते हैं, तो तभी हरियाली दिखाई दे रही है। देखिए नींव दिखाई दे रही है, हरियाली दिखाई दे रही है आम डाली के इस साइड को। ये आम डाली है, ये आम डाली दिखाई दे रही है, जो ये आम डाली है आम डाली के इस साइड को। ठीक है, फिर भी लोग इतनी खेती होने के बावजूद लोग चले गए यहाँ से, लोग चले गए यहाँ से। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरे चचा देख रहे हो या मेरे ताऊ देख रहे हो, मेरे दादा देख रहे हो, हमारे गांव के जो भी हैं, चचा ताऊ दादा मेरे, हमारे दादाजी लोग जो भी हमारे गांव से बाहर हैं, प्लीज़ मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगली बार होली में ज़रूर आइए हमारे गाँव। तो जो ताकि हमारी इस होली को भी बढ़ावा मिल सके हमारे गाँव की। तो होली एक मिलन का त्यौहार है, मिल सके आप लोगों के सभी सभी लोग के साथ मुलाकात हो सके, तो होली को भी हमारी बढ़ावा मिल सके। तो अभी होली चले गई तो अभी सुनसानी का माहौल हो गया अभी गांव में फिलहाल के लिए। तो देखिए अभी तो हमारे गांव में रोड भी पहुंच चुकी है, डामरीकरण हो चुका है रोड में। पहले तो जो हमारे दादाजी लोग, हमारे चचा दादा लोग जो भी गांव में पहले रहते थे, तो उन्होंने बहुत ही कष्टदायी के दिन गुजारे यहाँ, बहुत ही कठिनाई झेली है यहाँ उन्होंने। तो अभी तो कुछ कठिनाई नहीं है, क्योंकि पानी भी है, लाइट भी है, बिजली भी है, सारी सुविधाएं हमारे गांव में मिल जाती हैं। तो मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा आपसे, तो ज़रूर आइए गांव में, यहाँ हमारे पाली गांव में, तो ज़रूर आइए। कुछ समस्या नहीं है, रोड भी है बन गई है, डामरीकरण वाली रोड बनने के डामर हो चुका है रोड में। ये देखिए पूरा गाँव पाली का। हरियाली, पूरी हरियाली छाई है पूरी, लगभग ये देखिए पूरी हरियाली दिख रही है आपको। ये देखिए पूरी हरियाली दिख रही है आपको, ये पूरे पूरी गेहूं की खेती है। कितने मजदूर लगा रही है, इतने गेहूं लगा रही है, पूरी हरियाली दिख रही है आपको पूरी खेतों में। पहले तो बहुत ही समस्याएं थी सब लोगों को, बहुत ही जो भी बाहर गए हैं, बहुत ही उन्होंने तो बहुत ही इस गांव में बहुत ही समस्याएं झेली हैं।
को अब तो ऐसी कोई समस्या है नहीं फिलहाल, तो किसी को तो थोड़ा तो पैदल चलना पड़ सकता है, परंतु तो थोड़ा पैदल बहुत ही कम है अब, पहले जितना पैदल नहीं है। पहले गंगोली आर्ट से हमारे पैदल आते थे, हमारे दादाजी लोग पैदल, हमारे दादा लोग पैदल, हमारे चचा लोग पैदल, सारे लोगों ने बहुत ही कठिनाई के दिन गुजारे, पैदल पैदल ही पैदल चलते थे। अब तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत चलना पड़ता है किसी को पैदल, वो भी बहुत ही कम हो गया है अब। पहले पिथौरागढ़ के लिए पैदल सब जगह पैदल जाते थे हमारे यहाँ गांव से। देखिए नज़ारा पूरा, ये जो सामने पर जो गांव दिख रहा है ये बिस्टोड़ा है, ये बिस्टोड़ा पाली में बिस्टोड़ा है, तोक बिस्टोड़ा दिख रहा है मुझे। सबसे टॉप में चिटगल है, इस साइड को जो सबसे टॉप में दिख रहा है चिटगल है, चिटगल के इस साइड को जो सबसे ऊपर है ये अग्रून, इसके ऊपर जिबल। जय गुलजुगी, ये हमारे भंडारी गुलजुगा मंदिर है। अभी मैं उसके सामने पर, जस्ट उसके सामने पर पहुँचा हूँ, बाड़ी में, बाड़ी कहते हैं इस जगह का नाम। ये देखिए भंडारी गुलजुगा मंदिर है, इतना बढ़िया मंदिर बन चुका है यहाँ पर। आप भंडारी गुलजुगा मंदिर है, देखिए आपको सभी को इस मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ मैं भी। देखिए जंगल के बीचों बीच है ये मंदिर हमारे यहाँ का, हमारे गांव के जो न्याय न्यायप्रिय देवता हैं वही हैं ये भंडारी गोलजू। देखिए इस मंदिर को नज़ारे दीजिए, इस मंदिर के भी आप दर्शन कीजिए। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो पुनः मैं एक बार आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम बोलता हूँ, तो मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।